थोड़ी देर में गोरखपुर से पर्चा दाखिल करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में करेंगे नामांकन। नामांकन से पहले योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा, शिवलिंग पर किया जलाभिषेक। मंदिर में योगी ने हवन भी किया, पंडितों ने करवाई विशेष पूजा। योगी के नामांकन के लिए गोरखपुर डीएम दफ्तर पर तैयारी, सड़कों को पानी से धोया गया। योगी के नामांकन को लेकर गोरखपुर में उत्साह, लोगों ने जताई खुशी। दमन के समुद्र तट पर हादसा, एक ही परिवार की चार महिलाएं डूबी। पिकनिक मनाने गुजरात से दमन आया था परिवार, तेज लहरों में फंसकर चारों महिलाओं की मौत, एक को बचाया गया। पंजाब के अवैध खनन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, सीएम चन्नी के रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी गिरफ्तार। कल देर रात हुई हनी की गिरफ्तारी, जालंधर में करीब 8 घंटे तक ईडी की टीम ने की पूछताछ। पिछले दिनों भी छापेमारी में हनी के ठिकानों से मिली थी करीब 10 करोड़ की रकम, 21 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी भी हुई थी बरामद। पीएम मोदी की आज दूसरी वर्चुअल रैली, मेरठ समेत 5 जिलों के वोटरों को करेंगे संबोधित। सीएम योगी गोरखपुर से रैली में जुड़ेंगे, 5 जिलों में होगा रैली का प्रसारण। उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित पीएम की वर्चुअल रैली रद्द, मौसम खराब होने की वजह से फैसला। यूपी में आज भी धुआंधार प्रचार और रैलियों का दिन, मायावती की अमरोहा में रैली। प्रियंका का गाजियाबाद में चुनावी प्रचार, राहुल गांधी गोवा में करेंगे प्रचार। नवजोत सिंह सिद्धू के फिर बगावती सुर, बोले ऊपर के लोग चाहते हैं कमजोर सीएम बने जो उनकी बात माने। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚੇ, ਤਾਂ ਥੱਤੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਥੱਤੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿਣ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁਲ ਬੁਲ ਕੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने झोंकी ताकत, गाजियाबाद से लेकर बुलंदशहर तक गृहमंत्री अमित शाह की रैली। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, लोगों से बोले वोट देने में हुई चूक तो गुंडे पहुंच जाएंगे विधानसभा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दाखिल किया नामांकन, सिराथू से पार्टी ने बनाया है उम्मीदवार। ओवैसी का मुजफ्फरनगर दौरा हुआ रद्द, अपने प्रत्याशी के पक्ष में आज करने वाले थे जनसंपर्क। यूपी में कांग्रेस के वाराणसी के नेता अजय राय के बिगड़े बोल, पीएम और सीएम को लेकर दिया आपत्तिजनक बयान। सात मार्च के जमीन में योगी मोदी के जमीन में खन के हुई। पंजाब के लिए बीजेपी ने जारी किया चुनाव गीत, गाने में बीजेपी को सत्ता में लाने की अपील। कांग्रेस ने यूपी में जारी किया नया थीम सॉन्ग, टैग लाइन दी हम यूपी टाइप है। ओवैसी पर हमले के आरोपियों पर नया खुलासा, पुलिस के मुताबिक ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन के बयानों से खफा थे सचिन और शुभम। पुलिस का दावा, आरोपी सोशल मीडिया पर हेट स्पीच को लगातार कर रहे थे फॉलो, दोनों आपस में दोस्त, दोनों ने की है वकालत की पढ़ाई। अपुर पुलिस ने कार्रवाई की और मौके पर पहुंच के वीडियो फुटेजेस को अपने कब्जे में लिया तथा वहां मौजूद सभी लोगों को हिरासत में लिया। ओवैसी ने आज स्पीकर से मिलने का वक्त मांगा, खुद पर हमले के सिलसिले में करेंगे बात। ओवैसी पर हमले के विरोध में हैदराबाद का चार मीनार बाजार रहा बंद, दुकानदारों ने सलामती के लिए की दुआ। ओवैसी पर हमले के दोनों आरोपी कल रात ही हुए गिरफ्तार, हापुड़ के थाने में हो रही है पूछताछ। हमले के बाद मौके पर ही हथियार छोड़कर भागे थे आरोपी, पुलिस ने बरामद की 9 mm की पिस्टल। छिजारसी टोल नाके पर हुआ ओवैसी की गाड़ी पर हमला, सीसीटीवी में खुलेआम फायरिंग करते दिखे आरोपी। ओवैसी ने भी जताया था 9 mm की पिस्टल से फायरिंग का शक, आज तक से बातचीत में बयां की थी खौफनाक वारदात। सफारी को और वहां से निकले, फिर और एक आवाज आई, जब निकल रहे थे एक और आवाज आई, तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशाने। वैशाली की महादलित बस्ती में भड़की आग, परिवार के लोगों को बचाने की कोशिश में नाबालिग लड़की की झुलसने से मौत। हाई टेंशन तार की वजह से बस्ती में लगी आग, देखते ही देखते राख हो गए दर्जनों कच्चे मकान। दिल्ली से सटे नोएडा में हादसा, डीएनडी फ्लाईओवर पर चलती कार में भड़की आग।
मध्य प्रदेश के रीवा में नकली बम लगाकर दहशत फैलाने का आरोपी गिरफ्तार, दर्जनों बार शरारत करने का आरोप। वडोदरा में शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई, पुलिस ने नष्ट की। केशव प्रसाद मौर्य के नामांकन में शामिल रहे बीजेपी के दिग्गज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान भी रहे साथ, जीत का जताया भरोसा। भाजपा का भी रातुवासी मेरा भी शीश नहीं झुकने देंगे, भाजपा का भी शीश नहीं झुकने देंगे, कमल खिलने में कोई समस्या मुझे नजर नहीं आती है। बुलंदशहर में अखिलेश जयंत की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, समाजवादी पार्टी के मुखिया बोले गर्मी नहीं हम देते भर्ती। गर्मी नहीं भर्ती, नौजवानों को भर्ती के लिए उन्हें देने का काम, उनको नौकरी देने का काम गठबंधन में होगा। बुलंदशहर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का चुनावी प्रचार, बलात्कार के बाद हत्या की पीड़िता के परिवार वालों से की मुलाकात। सिद्धार्थनाथ सिंह के नॉमिनेशन के दौरान हंगामे को लेकर पुलिस की सफाई, कहा मानसिक रूप से बीमार है पकड़ा गया युवक। पंजाब में जोरों पर है चुनाव प्रचार, चमकौर साहिब में लोगों के बीच पहुंचे सीएम चन्नी। माता वैष्णो देवी के दर्शन करके पंजाब लौटे सिद्धू, अमृतसर में किया चुनाव प्रचार। कांग्रेस के सीएम उम्मीदवारी पर चल रहे सर्वे के बीच सीएम चन्नी ने जारी किया वीडियो, कहा सीएम लोगों के लिए है, लोग सीएम के लिए नहीं। पंजाब में चुनाव अधिकारियों से मिला अकाली दल का प्रतिनिधि मंडल, कांग्रेस के प्रचार सॉन्ग के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। कैंपेन सॉन्ग को लेकर अकाली दल की शिकायत के बाद कांग्रेस की सफाई, कहा चुनाव आयोग से इजाजत लेकर किया गया है तैयार। फरीदकोट के कोटकापुरा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का अनोखा चुनाव प्रचार, कार की बोनट पर बैठकर मांग रहे हैं वोट। गोवा के लोगों से दिल्ली के सीएम ने किया वादा, बोले सरकार बनी तो हर नागरिक को 5 साल में 10 लाख तक का फायदा। आम आदमी पार्टी को एक मौका दीजिए, मैं सबसे अपील करता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, हर परिवार को 5 साल में कम से कम 10 लाख रुपए का फायदा। रायपुर में राहुल गांधी ने किसानों को किया संबोधित, केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा देश को अमीर और गरीब हिंदुस्तान में बांटा जा रहा है। उत्तराखंड के औली और बद्रीनाथ सहित तमाम ऊंचाई वाले स्थानों में जमकर बर्फबारी, मौसम विभाग ने 2 दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। चुनावी सरगर्मी के बीच जोशीमठ में बर्फ की जोरदार बारिश, साल की पहली बर्फबारी ने बढ़ाई राजनीतिक दलों की मुश्किलें। उत्तरकाशी में बर्फबारी ने रोका रास्ता, यमुनोत्री और यमुनोत्री जाने वाली सड़कें बंद। मसूरी में बर्फबारी के बीच चुनावी गर्मी, बर्फ की बारिश में प्रचार करते नजर आए बीजेपी के कार्यकर्ता। पिथौरागढ़ में ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर शुरू हुई बर्फबारी, चारों ओर नजर आ रही है बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल के पहाड़ों पर बदला मौसम का मिजाज, खिल उठे सैलानियों के चेहरे। हिमाचल में शिमला से लेकर चायल, कुफरी और नारकंडा में खूबसूरत नजारे, तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट। शिमला में बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, कई सड़कों पर बर्फ की चादर की वजह से यातायात ठप। हिमाचल के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, 8 जिलों में हो सकती है बारिश और बर्फबारी। जम्मू कश्मीर में फिर से शुरू हुई बर्फबारी, बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठंड। करीब 8 इंच बर्फबारी से ढके जम्मू कश्मीर के पहाड़, पुंछ में मुगल रोड पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, बर्फीली हवाओं और बूंदाबांदी ने बढ़ाई मुश्किलें। हरियाणा के अंबाला में जबरदस्त बारिश, ठंड से ठिठुरे लोग। कल शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट, 770 अंक लुढ़का सेंसेक्स। डिजिटल रुपए से फिनटेक इंडस्ट्री में क्रांति आने का पीएम मोदी ने जताया भरोसा, कहा नए मौकों की होगी भरमार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को लेकर सुलगी सियासत, दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ टीएमसी का विरोध प्रदर्शन। पीएम मोदी से मिले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्य के विकास कार्यों को लेकर मुलाकात। विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, पूरे राज्य में जमा हुए कर्मचारी। उत्तराखंड के विकास नगर में मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर राजनीति तेज, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने अपनी संपत्ति का 50% दान में देने का किया ऐलान।